जिस राज्य में ये घटना हुई है उस राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अब देखिए हमारी सरकार आने के बाद गाय भैंसें और महिलाएं सब सुरक्षित हैं। क्या हम इसीलिए संघर्ष कर रहे थे कि हमारी तुलना गाय भैंसों से हो सके? वो दूध की दुकान नहीं खोल सकते, मिठाई की दुकान नहीं खोल सकते, कोई भी खाने पीने का सामान नहीं बेच सकते, वो दर्जी की दुकान नहीं खोल सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? जो दलित बहुजन समाज के लोगों के लिए जो स्वीकार्य है, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी, जिसके लिए वो बने हैं, आप जानते हैं क्यों बने हैं, कैसे तय किया गया हमारे लिए कि आप ये करेंगे और हमारी ज़रूरत है। अगर उन्हें इसके लिए हमारी ज़रूरत नहीं होती तो वो कहते कि आप दुनिया के पटल पर आपकी ज़रूरत ही नहीं है। उन्हें ज़रूरत है मजदूरी की, उन्हें ज़रूरत है उस तरह के कामों की, इसलिए उन्होंने हमें रखा हुआ है, क्योंकि वो मजदूरी नहीं करना चाहते। इतनी ऊर्जा मिल रही है आप सबको देखकर मुझे, लेकिन मैं अभी अब हमारी साथी से मैं कह रही थी कि यहाँ पे सब सम्माननीय महिलाएं बैठी हैं, हमारे यहाँ पर ऑडियंस में भी सब महिलाएं हैं, लेकिन मेरी एक इच्छा कुछ और थी। मैं सोचती थी कि आप लोग तो घर पर भी रहती तो कोई बात नहीं थी, मैं चाहती थी आपकी जगह पर यहाँ अगर पुरुष बैठे होते तो थोड़ी सी संवेदनशीलता पैदा हो जाती है, क्योंकि हम जो ये बातें कहना चाहते हैं ये पुरुषों से कहना चाहते हैं, ये महिलाओं का आंतरिक मुद्दा नहीं है। महिलाओं के साथ नाइंसाफी, उनके साथ बलात्कार, उनके साथ अत्याचार, उन्हें स्कूल कॉलेज ना भेजना, उनको परिवारों में पब्लिक स्पेसेस में से बाहर करना, ये हमारा अगर आंतरिक मुद्दा होता तो हमने बहुत पहले हल कर लिया होता। इसके लिए फिर हमें कानूनों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, हम एक कमरे में कुछ महिलाएँ बैठती और हमने ये हल कर लिया होता। यहाँ समस्या ये है कि जिन लोगों से समस्या है वो लोग इस पूरी तस्वीर से बाहर हैं। तो आगे से मैं चाहूँगी कि हम जब भी कुछ इस तरह की गैदरिंग करें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं होनी चाहिए और ख़ासकर जो युवा महिलाएं हैं, क्योंकि उनको भी हम सेंसिटाइज करना चाहते हैं, उनको भी ज़्यादा संवेदनशील अपने अधिकारों और अपनी स्वतंत्रता के प्रति हम करना चाहते हैं, लेकिन वो हम कर लेंगे, थोड़ा थम के कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो बेटियों के बारे में बार बार बात होती है कि बेटियों को क्या बनाएं, लेकिन बेटों को कैसे समझाएं कि वो बेटियों को वो बनने दें जो वो बनना चाहती हैं। मैं चश्मदीद गवाह रही उस पूरे मामले की, जो ये हाथरस वाला केस है, मैं कवर करने के लिए हाथरस भी गई और शायद अखबारों में पढ़ के, चाहे आप कितनी भी रिपोर्ट्स पढ़ लें, उस बात का कभी इतना अंदाज़ा नहीं होता जब तक कि आप खुद फेस टू फेस उन पीड़ितों से ना मिलें, उन परिवार से ना मिलें, उन हालात को समझने की कोशिश ना करें जिन हालात की वजह से वो अत्याचार हुआ। क्योंकि देखिए हेडलाइन तो बन गई कि हाथरस में एक दलित युवती के साथ ज्यादती हुई और अब एक साल गुजर गया, उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिला। अब आप सोचिए कि उस हफ्ते के बाद, इस हफ्ते में, पूरे एक साल के बाद हम याद कर रहे हैं हाथरस की उस लड़की को। अब एक सोचिए कि उस एक साल में उसके परिवार पर क्या गुजरी है। जो हिंसा उस लड़की के साथ हुई वो तो हुई, लेकिन जो हिंसा इस पूरे एक साल में सही इस परिवार ने, जो वो इंसाफ की मांग कर रहा था, वो उस हिंसा से कुछ कम नहीं है। जिसकी जान जानी थी वो चली गई, जिस लड़की के साथ जो ज्यादती होनी थी वो हो चुकी, और शायद इस बात पर थोड़ा सब्र भी कर लिया होता उसके परिवार वालों ने, अगर उन्हें फिर से वो हिंसा का जो एक नया चक्र है, जो एक नया साइकिल है इस पूरे इंसाफ की कड़ी में, अगर उससे नहीं होके गुजरना पड़ता। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें कहना चाहती हूँ कि मैं क्यों ये फ़र्क देखती हूँ। मैं पिछले करीब करीब दो दशकों से पत्रकारिता कर रही हूँ, महिलाओं के मुद्दों को भी देखती हूँ, सरकार के कामकाज पे भी टिप्पणी करती हूँ, रिपोर्टिंग करती हूँ। क्यों मुझे लगता है कि आज जब हम यहाँ पर मिलकर बैठे हैं और हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्यों अलग है 2014 से पहले, मैं इसको रेखांकित करना चाहती हूँ। 2014 से पहले ऐसा नहीं है कि महिलाओं के साथ ज्यादती नहीं होती थी, ऐसा नहीं है कि दलित महिलाओं के साथ ज्यादती नहीं होती थी। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें शायद SC ST एक्ट नहीं लाना पड़ता और फिर उसको लागू कराने के लिए उससे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमें अपनी पुलिस फोर्सेस, इन सबको, जजों को, जुडिशरी, खासकर लोअर जुडिशरी, वकीलों, पत्रकारों, इन सबको सेंसिटाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब दिक्कतें पहले भी थी, बहुत दिक्कतें थी। मतलब मैं कहूंगी इस अत्याचार का एक इतना लंबा इतिहास है कि जब लिखा जाएगा तो हमारे आपके खून से लिखा जाएगा और उसमें बड़ी बड़ी किताबें भर जाएंगी जितना अत्याचार हुआ है। लेकिन जो अत्याचार पिछले 7 साल में देखा गया वो क्यों अलग है? सबसे पहली बात इसमें अलग इसलिए है क्योंकि पहले समाज को शर्म आती थी जब इस तरह की घटना होती थी,
पहले पुलिस प्रशासन, वकील, अदालत, पत्रकार शर्मिंदा होते थे, एम्बेरस्ड होते थे कि नहीं इस बारे में बात नहीं करनी है। बहुत आसानी से मुंह पर बलात्कार नाम का शब्द नहीं लाते थे, कहते थे ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, ताकि परिवार में इस तरह का एक ही बड़ा ही एक रूड शब्द माना जाता था कि नहीं कहना चाहिए। इसका मतलब उन्हें लगता था कि जो हुआ है वो गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए और इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो लड़की जिंदा है या उस लड़की को, जैसे नए कानून के बाद ये भी मामले बहुत सामने आ रहे हैं कि जो जो पीड़ित है बलात्कार की उसको मारने की भी कोशिश हो रही है ताकि उसका सबूत मिटाया जा सके। अब जो बदल गया है वो ये कि सबसे पहले जब पीड़िता ये कहती है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है तो कहते हैं झूठ बोल रही हो, फिर परिवार कहता है कि हमारी बेटी के साथ इस तरह की ज्यादती हुई है, कहते हैं परिवार भी झूठ बोल रहा है, फिर पत्रकार कहता है कि मैंने इस घटना को देखा है, मैं इस पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, पत्रकार भी झूठ बोल रहा है। पत्रकार न सिर्फ कि झूठ बोल रहा है बल्कि इस तरह की रिपोर्टिंग करने वाले, इस तरह के मामलों को दर्ज करने वाले पत्रकारों पर केसेस हो रहे हैं। आज जबकि एक साल बाद हम हाथरस की उस अपनी बहन का जिक्र कर रहे हैं, जो कि क्या अच्छा होता कि हमारे बीच यहाँ मौजूद होती और हमारी बातें सुन रही होती, लेकिन उसके भाग्य में ऐसा नहीं था। आप उसको भी याद रखिए जो सिद्दीक कप्पन नाम का एक पत्रकार था जो हाथरस में इसी घटना को कवर करने जा रहा था, वो पत्रकार जो आपको बताना चाहता था कि क्या हुआ है। तो सबसे बड़ी बात तो वो पीड़िता झूठी है, परिवार झूठा है, पत्रकार झूठा है, पीड़िता का परिवार जेल जाएगा, पत्रकार जेल जाएगा, पत्रकार का परिवार जेल जाएगा, ये पहली बार हुआ है। हमारी जो नई जो सरकार है उसे बहुत शौक है इतिहास बनाने का और कहते हैं कि देश में पहली बार, ये भी देश में पहली बार हो रहा है जबकि पीड़ित और पीड़ित के परिवार, चाहे वो गौ रक्षा से जुड़े मामले रहे हों, जो भारतीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ हों, या फिर आप ये देखिए कि दलितों के खिलाफ मामले रहे हों, पीड़ित और पीड़ित के परिवार को जेल में डाला जाता है, उसे सताया जाता है, जो पत्रकार इस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं उन्हें सताया जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि जब हम ये बात कर रहे हों तो एक बार सिद्दीक कप्पन, उसके साथी और उनके परिवार के बारे में भी थोड़ा सा सोचें, दिमाग की एक छोटी सी खिड़की उनके लिए खोल लें कि वो भी एक व्यक्ति है जो इस मामले पर रिपोर्टिंग करने जा रहा था और अभी तक अपने परिवार से एक साल बाद भी नहीं मिल पाया है। तो हाथरस की उस युवती के अलावा एक और जो परिवार है, बल्कि चार और जो परिवार हैं जिनको इंसाफ चाहिए, वो कप्पन और उसके साथी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जिस दिन ये कप्पन को उठा लिया गया पुलिस के जरिए, गिरफ्तारी तो खैर क्या होती, रास्ते में उसको जिस तरह से पकड़ा गया, उसी दिन मैं जा रही थी हाथरस ये कवर करने के लिए। मेरे पास फोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया है और ट्वीट भी करने लगे लोग कि इस तरह से कोई एक बड़ा मॉड्यूल बस्ट कर दिया गया है और किस तरह से जो है वो अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और ये सब चीज़ें। मैं एक ऐसी पत्रकार हूँ जिसने अफगानिस्तान, इराक जैसे जो जंग के मैदान है वहाँ से रिपोर्टिंग की है। मैं कश्मीर में गई रिपोर्टिंग करने के लिए जब वहाँ से आर्टिकल 370 हटा लिया गया था और पूरा कम्युनिकेशन ब्लॉकेट था, यानी आप फ़ोन पे बात नहीं कर सकते थे। मैं जब वहाँ पहुँच गई थी तो मेरे परिवार के पास या मेरे दफ्तर के पास कोई जरिया नहीं था मुझ तक पहुँचने का। उस पर भी मुझे लोगों ने नहीं चेताया। जब मैं इराक जा रही थी नहीं कहा मुझसे कि मत जाओ, जब मैं अफगानिस्तान जा रही थी नहीं कहा मुझसे कि मत जाओ, जब मैं कश्मीर जा रही थी मुझसे कहा नहीं कहा गया कि मत जाओ, मेरा काम है। जब मैं हाथरस जा रही थी तो मेरे दोस्तों ने, मेरे परिवार ने मुझसे पूछा क्या जाना जरूरी है। आप ये सोचिए, जिसे आप मुख्य धारा का जो मेन लैंड आप कहते हैं, इराक, अफगानिस्तान, कश्मीर, इसके अलावा और भी मैं खतरनाक जगहों पे गई हूँ, लेकिन सिर्फ आपको ये बताने के लिए, सिर्फ आपको एक उदाहरण देने के लिए कि वहाँ हमारी सरकार नहीं है, वहाँ हमारी सरकारों के कानून लागू नहीं होते, उसके बावजूद भी कभी मेरे दफ्तर या मेरे परिवार ने चिंता नहीं की। हाथरस जब मैं जा रही थी तो मुझसे पूछा कि क्या जाना ज़रूरी है, क्या इसके बगैर भी काम चल सकता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो आतंक का सामना है वो सिर्फ उस पीड़ित को ही नहीं, उसके परिवार को ही नहीं, उन वकीलों को, उन जजों को, और सबसे बड़ी बात वो लोग जो उन घटनाओं पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको भी करना पड़ रहा है, और ये देश में पहली बार हुआ है। तो इतिहास में इस बात के लिए ज़रूर नाम दर्ज किया जाएगा हमारी सत्तारूढ़ जो पार्टी है और जो सत्तारूढ़ लोग हैं उनके लिए कि किस तरह से ये पूरा हिंसा का जो एक साल है और कैसे पीड़ित को ही और ज़्यादा पीड़ित बनाने की। आप ही देखिए कि एफआईआर दर्ज करने में जल्दबाजी नहीं हुई,
पीड़ित की बात को स्वीकार करने में जल्दबाजी नहीं हुई, लेकिन उसका शव जला देने में जो जल्दबाजी हुई, आप उससे अंदाजा लगाइए कि प्राथमिकताएं क्या हैं। और मैं याद दिलाना चाहती हूं उस महिला पत्रकार के बारे में भी, जिसने उस वक्त रात को 2 बजे, वो भी एक महिला थी, इंडिया टुडे की पत्रकार, जिसने रात को 2 बजे, आप सोचिए कि इस माहौल में जब मुझे दिन में 2 बजे जाने के लिए लोग कह रहे थे कि मत जाओ, वो रात में 2 बजे उस जलते हुए शरीर का वीडियो बना रही थी। तो एक बार मैं चाहती हूं उस पत्रकार के लिए भी ताली होनी चाहिए, क्योंकि आप विश्वास करिए कि जब जब कोई पत्रकार खड़ा होता है, जब जब कोई वकील खड़ा होता है, जब जब कोई जज खड़ा होता है, जब जब कोई ब्यूरोक्रेट, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, हम जैसी महिलाएं यहाँ पर हम खड़े, आप विश्वास कीजिए ये खतरे से खाली नहीं है। अभी यहाँ पर हम बोल रहे हैं, न जाने हम क्या बोल जाएं और कब जो है कुछ देश के खिलाफ हो जाए, कब यहाँ पर हम राजद्रोह कर दें, हम क्या बोल दें कुछ पता नहीं है। हर एक शब्द को नापा तोला जाता है। मैंने अलीगढ़ में एक भाषण दिया था, 24 मिनट का भाषण था, 1 साल से ज्यादा हो गया, जनवरी 2020 की बात है। उस भाषण में, 24 मिनट के भाषण में से 40 सेकंड निकालकर हर रोज, आप सोचिए कोई हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन ट्विटर पे वो 40 सेकंड का वीडियो ट्रेंड ना करता हो, उस 24 मिनट के वीडियो में से निकालकर। तो पता नहीं इसमें से कौन से 4 सेंटेंस निकाल के ये बता दिया जाए कि देखिए ये राजद्रोह है, देशद्रोह है, और एक खास नेता के खिलाफ आप कोई बात कहते हैं तो वो उस नेता के खिलाफ हो जाती है, उस नेता के धर्म के खिलाफ हो जाती है और देश के खिलाफ हो जाती है। तो उस नेता में और देश में कोई फर्क नहीं है, वो नेता ही देश बन गया है, देश ही नेता बन गया है। तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि इस 1 साल में और क्या कुछ हुआ। यहाँ पर मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मेरी बहनें, उनकी बेटियां भी हैं, उनकी अपनी बहनें भी हैं, आने वाली पीढ़ियां भी हैं। मैं सोचती हूँ उनके लिए, बहुत चिंतित हो जाती हूँ कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जब हाथरस की घटना होती है तो एक लड़की के साथ ज्यादती होती है, लेकिन हजारों लड़कियों की हिम्मत टूटती है। जब एक लड़की के साथ ज्यादती होती है, हजारों लाखों लड़कियां असुरक्षित महसूस करती हैं। जब उस परिवार के साथ मैं बातचीत कर रही थी, वहां पे समझने की मैं कोशिश कर रही थी, मैंने गांव में और भी लड़कियों से बातचीत करने की कोशिश की, आप विश्वास कीजिए कि जो कमजोर तबके हैं, जिनके साथ हमेशा से सिस्टम ने ज्यादती की है, सिस्टम ने बलात्कार किया है, उन पूरे समाजों के साथ, और जब अब यहां आके अगर वो स्कूल, कॉलेज, दफ्तरों की हद तक पहुंच भी जाती हैं, फिर एक हाथरस वाली घटना होती है और बहुत सारे साल हमें पीछे ले जाती है। तो मुझे चिंता होती है उन लड़कियों की, क्योंकि आप ये इस बात का ध्यान रखिए कि जब इस लड़की के साथ न सिर्फ की ज्यादती हुई, उसके साथ मारपीट हुई, वो एक ऐसी हालत में थी जब उसने बयान दिया, जब वो हिल नहीं पा रही थी, तब भी उसने हिम्मत जुटाकर एक वाक्य कहा और कहा कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। हमारी सरकार ये चाहती है कि वो हिम्मत भी टूट जाए, वो लड़की, उसका परिवार इस मुहाने पे आ जाए जब लड़की ये ना कहे कि मेरे साथ कुछ हुआ, परिवार भूल जाए कि लड़की के साथ कुछ हुआ, अपना भविष्य मान के कि यही मेरी तकदीर है, यही मेरे भाग्य में लिखा है, मैं इसी घर में पैदा हुई थी, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकती थी, यही मेरे साथ होना चाहिए था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब बाबा साहेब के संविधान को हम पढ़ते हैं और उसमें बताया जाता है कि हर व्यक्ति के वोट की कीमत एक ही है, इस देश के प्रधानमंत्री के वोट की कीमत वही है जो मेरे वोट की कीमत है, मेरे वोट की कीमत वही है जो बाहर खड़े गार्ड के वोट की कीमत है, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, एक व्यक्ति एक मूल्य। तो संविधान में तो हमने कह दिया कि एक व्यक्ति और एक मूल्य, लेकिन समाज में हम उसे नहीं बना पाए, और इसीलिए हम जो हमारा संविधान है हमारे समाज के लिए एक तरह से लगातार एक संघर्ष बना रहा कि संविधान कहता था हमें आसमानों में उड़ना है और समाज कहता है कि आपको जमींदोज हो जाना है। तो जो ये पूरा देश बनाया जा रहा है, जो ये कहते हैं, मैं तो ये भी हैरान होती हूँ कि जब ये कहते हैं कि खास धर्म के लोगों के लिए बनाया जा रहा है, उस धर्म के लोग भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर हमें बताया जाए आखिर कि ये देश बनाया किसके लिए जा रहा है। जिसको सबसे बड़ी बात यह है कि जब बाबा साहेब के संविधान को हम पढ़ते हैं और उसमें बताया जाता है कि हर व्यक्ति के वोट की कीमत एक ही है, इस देश के प्रधानमंत्री के वोट की कीमत वही है जो मेरे वोट की कीमत है, मेरे वोट की कीमत वही है जो बाहर खड़े गार्ड के वोट की कीमत है, वन मैन वन वोट वन वैल्यू,
एक व्यक्ति एक मूल्य, तो संविधान में तो हमने कह दिया कि एक व्यक्ति और एक मूल्य, लेकिन समाज में हम उसे नहीं बना पाए। और इसीलिए हम जो हमारा संविधान है हमारे समाज के लिए एक तरह से लगातार एक संघर्ष बना रहा कि संविधान कहता था हमें आसमानों में उड़ना है और समाज कहता है कि आपको जमीन जमींदोज हो जाना है। तो जो ये पूरा देश बनाया जा रहा है, जो ये कहते हैं, मैं तो ये भी हैरान होती हूँ कि जब ये कहते हैं कि खास धर्म के लोगों के लिए बनाया जा रहा है, उस धर्म के लोग भी सुरक्षित नहीं है। तो फिर हमें बताया जाए आखिर कि ये देश बनाया किसके लिए जा रहा है। जिस राज्य में ये घटना हुई है उस राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अब देखिए हमारी सरकार आने के बाद गाय भैंसें और महिलाएं सब सुरक्षित हैं। क्या हम इसीलिए संघर्ष कर रहे थे कि हमारी तुलना गाय भैंसों से हो सके? आप ये सोचिए कि कैसे आपकी आत्मा को चीरती है ये बात कि ऐसे व्यक्ति से जो शासन चला रहा है वो कह रहा है कि गाय भी सुरक्षित हैं, भैंसे भी सुरक्षित हैं, महिलाएं भी सुरक्षित हैं। मैं तो कहती हूं इन तीनों में कोई सुरक्षित नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये वही समय है जिसमें हमें जरूरत है सेंसिटाइजेशन की, कि एक नया तबका महिलाओं का ऐसा भी तय हो रहा है। और एक और सेंटेंस उन्होंने कहा जब वो मुख्यमंत्री बन गए उसके बाद याद दिलाया गया, उन्होंने कहा कि महिलाएं अकेली आजाद छोड़े जाने और अपने फैसले लेने के लिए केपेबल नहीं है, उनमें ये क्षमता नहीं है कि वो अपने फैसले ले सकें और आजाद छोड़ी जा सकें। ये भी उन्हीं की राय है जो ये कह रहे हैं कि गाय भैंस और महिलाएं एक ही होती हैं। अब मैं आखिरी बात कहना चाहती हूँ उस गांव के बारे में। तो जब मैंने परिवार के अलावा जब गांव के अन्य लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि देखिए किसी भी महिला के साथ जो ज्यादती होती है वो एक दिन में नहीं होती, ये पूरी प्रक्रिया है। आप सोचिए कि वो पिछले कितने हफ्तों कितने महीनों से उन हालात का शिकार हो रही होगी, जब जाके वो दिन आया जब अत्याचार इतना बढ़ गया कि उसके साथ ज्यादती भी हुई और उसकी हत्या भी हो गई। तो उस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करिए, उस गांव का अगर आप देखें एक मुआयना करने की कोशिश करें तो उस गांव में जो दलित समाज के लोग हैं उन्हें सिर्फ उनके समाज के लिए जो काम बना है इसके अलावा कुछ भी करने की इजाज़त नहीं। वो दूध की दुकान नहीं खोल सकते, मिठाई की दुकान नहीं खोल सकते, कोई भी खाने पीने का सामान नहीं बेच सकते, वो दर्जी की दुकान नहीं खोल सकते। सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, जो दलित बहुजन समाज के लोगों के लिए जो स्वीकार्य है, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी, जिसके लिए वो बने हैं। आप जानते हैं क्यों बने हैं, कैसे तय किया गया हमारे लिए कि आप ये करेंगे और हमारी ज़रूरत है। अगर उन्हें इसके लिए हमारी ज़रूरत नहीं होती तो वो कहते कि आप दुनिया के पटल पर आपकी ज़रूरत ही नहीं है। उन्हें ज़रूरत है मजदूरी की, उन्हें ज़रूरत है उस तरह के कामों की, इसलिए उन्होंने हमें रखा हुआ है क्योंकि वो मजदूरी नहीं करना चाहते हैं। तो उस गांव में इजाज़त नहीं है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, आज एक साल पहले भी मैंने ये बात पूछी थी कि क्या उत्तर प्रदेश के हाथरस के उस गांव में देश का संविधान लागू होता है या नहीं? क्या उत्तर प्रदेश के हाथरस का वो गांव देश के संविधान की परिधि से बाहर है? कौन पूछेगा ये सवाल, किससे हम उम्मीद करें? आप सबसे मैं ये उम्मीद करती हूं, आप में से हर एक भारत का नागरिक है, आप में से हर एक को वो अधिकार मिले हैं जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, आपको, मुझे, गार्ड को, ड्राइवर को, यहां खड़े हुए तमाम लोगों को, आपका एक भी अधिकार ना उनसे कम है ना उनसे ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि वो कल को वोट डालने जाएंगे तो उसकी कीमत चार होगी और आपकी सिर्फ एक होगी या आपकी आधी होगी। तो सबसे बड़ी बात वही है कि समाज में जागरूकता, कि इस सब ज्यादतियों के बावजूद भी अपनी हिम्मत को हम ना टूटने दें, हाथरस की उस बहन को याद करते हुए देखें कि वो किस हालत में रही होगी जब भी उसने वो अपनी जिंदगी का आखिरी सबसे अहम बयान दिया कि हाँ मेरे साथ ये हुआ। और हम सलाम करते हैं हिम्मत को उस परिवार की जो एक साल बाद भी डिगा नहीं है, अड़ा हुआ है, वहीं टिका हुआ है। शुक्रिया।